बहुत रुलाया तूने मेरी किरण को, बहुत रुलाया तूने। अर्नोल्ड जैसी बॉडी, बाज सी नजर, चीते सी फुर्ती और शेर जैसी दहाड़, ये पहचान है एक ऐसे अभिनेता की 90 के दशक में जिसकी तूती बोलती थी तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। जिसने अपने दमदार एक्शन और शानदार अभिनय से हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया और जिसके बोले गए डायलॉग्स युवाओं की जुबान बन गए थे। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिन्हें गुस्से में देख देशद्रोहियों की हालत खराब हो जाती थी और दहाड़ सुनकर भीड़ में भी सन्नाटा पसर जाता था। उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। पर क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में इनकी एंट्री एक्शन हीरो के तौर पर नहीं बल्कि एक लवर बॉय के रूप में हुई थी और इनकी पहली ही फिल्म की सफलता ने इतिहास रच दिया था। जब हम जवान होंगे जाने कहां होंगे। कैसा रहा इनका फिल्मी सफर, आइए जानते हैं इनके बारे में। तूने तो इस शहर में लोगों को खुलेआम मारा है, तो तेरी मौत इस बंद कमरे में कैसे हो सकती है? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 80 के दशक में हिंदी फिल्मों में एंट्री करने वाले एंग्री यंग मैन एक्शन हीरो सनी देओल की। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इनके पिता और इनकी सौतेली माँ जहाँ अपने समय के सुपरस्टार रहे, तो वहीं इनके भाई की गिनती भी बॉलीवुड के नामी कलाकारों में होती है। इस दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा कर जाओ कदरदान, गली कूचे से आवाज आए अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान। एक फिल्म में जब इन्होंने एक बेरोजगार युवा की जिंदगी की जद्दोजहद के बीच क्राइम, करप्शन और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले एक युवक का किरदार निभाया, तो जैसे ये रातों रात देश भर के लाखों युवाओं के यूथ आइकॉन बन गए। पंजाब प्रांत के लुधियाना जनपद के छोटे से नगर सोहनीवाल में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के घर 19 अक्टूबर 1956 को सनी देओल का जन्म हुआ। इनका असली नाम अजय सिंह देओल था। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर से हुए बच्चों में सनी देओल सबसे बड़े थे। इनके छोटे भाई बॉबी देओल थे, तो साथ ही दो बहनें विजेता और अजीता थीं। सनी बचपन से ही शर्मीले और शरारती थे। इनका दिल पढ़ाई लिखाई में कम और खेल कूद और अभिनय में ज्यादा लगता था। बड़े होकर ये भी अपने पिता धर्मेंद्र की तरह ही एक्टर बनना चाहते थे। हालांकि कम उम्र में चोरी से गाड़ी चलाने की वजह से कई बार इनके जमकर पिटाई भी हुई, तो वहीं कई बार ये अपने पिता धर्मेंद्र के कपड़े पहनकर स्कूल चले जाते और अपने दोस्तों पर रौब झाड़ते कि ये पैंट मेरे पिता ने फिल्म शोले में पहनी थी। अभिनय के प्रति सनी का लगाव देखकर धर्मेंद्र ने अभिनय की बारीकियां सीखने के मकसद से इनका दाखिला लंदन के बर्मिंघम में एक ट्रेनिंग सेंटर में करा दिया। ट्रेनिंग के दौरान इनकी मुलाकात लिंडा उर्फ पूजा से हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। बात घर वालों तक पहुंची और दोनों परिवारों की मर्जी से दोनों की शादी हो गई। आगे इन दोनों के दो बच्चे हुए, करण और राजवीर। 1983 में सनी देओल की फिल्म बेताब रिलीज हुई। अपने दिल से बड़ी दुश्मनी थी। फिल्म में इनके साथ एक नई अभिनेत्री अमृता सिंह को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। आरडी बर्मन के निर्देशन में संगीतबद्ध किए हुए आनंद बख्शी के गीतों को सुर साम्रागी लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने जादुई आवाज में गाकर फिल्म में चार चांद लगा दिए थे। बस आज मेरी खोई तकदीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई। इसी के साथ सनी देओल और अमृता सिंह की जोड़ी भी सुपर हिट हो गई। इस फिल्म के लिए सनी देओल को फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। जाने कहां होंगे। 1984 में सनी देओल की तीन फिल्में आई, सनी, मंजिल मंजिल और सोनी महिवाल। फिल्म सनी में जहां इनके ऑपोजिट एक बार फिर से अमृता सिंह ने हीरोइन की भूमिका निभाई थी, तो वहीं धर्मेंद्र ने पहली बार इनके पिता का किरदार अदा किया था। और क्या अहद वफा होते हैं।
फिल्म के गीतों ने संगीत प्रेमियों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। मेरी जान जाएगी, जाती रहेगी, मुझे आजमाने। ये दोनों ही गजल आज भी ऑल टाइम हिट गजलों में शुमार किए जाते हैं। बात करें इनके आगे के करियर की तो 1984 में ऐतिहासिक प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म सोनी माहिवाल सुपर डुपर हिट रही। सोनी मेरी सोनी, सोनी और नहीं कोई होनी सोनी। इस फिल्म में जहां सनी देओल ने माहिवाल का रोल किया था, तो वहीं भारतीय सिने जगत की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में गिने जाने वाली अदाकारा पूनम ढिल्लो ने सोनी का किरदार निभाया था। फिल्म में दोनों की जोड़ी को जहां खूब पसंद किया गया, तो वहीं सनी देओल की पहचान भी एक लवर बॉय के रूप में स्थापित हो गई। मुझे माफ करे, इसके बाद राहुल रवेल के निर्देशन में 1985 में आई उनकी फिल्म अर्जुन इनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में निभाए गए इनके किरदार ने इनकी इमेज को एक लवर बॉय से एंग्री यंग मैन के रूप में बदल दिया। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले बेरोजगार युवा का किरदार निभाकर सनी उस समय के हर युवा की आवाज बन बैठे। इसके तुरंत बाद आई निर्माता नासिर हुसैन की फिल्म जबरदस्त में भी इनके किरदार को लोगों ने खासा पसंद किया। तुम्हारी मर्जी पे चल रहे हैं, खता हमारी क्या हो, जब चाहा। धीरे धीरे सनी देओल ने दर्शकों के दिलो दिमाग पर लवर बॉय विद लॉट ऑफ एग्रेशन वाली ऐसी छाप छोड़ी कि लाखों लोग इनके दीवाने हो गए। में इनकी तीन फिल्में सल्तनत, समुंदर और सबेरे वाली गाड़ी आई, जिनमें से एक्शन थ्रिलर फिल्म सल्तनत में इनके ऑपोजिट सुपरस्टार अभिनेत्री श्रीदेवी ने हीरोइन की भूमिका निभाई, तो वही इनके पिता धर्मेंद्र ने एक बार फिर से फिल्म में इनके पिता का किरदार निभाया। मैं सुल्तान हूँ और सुल्तान को जो चीज पसंद आती है वो उसे हासिल कर लेता। एक्शन और रोमांस पर आधारित बाकी की दो फिल्में समुंदर और सवेरी वाली गाड़ी में अदाकारा पूनम ढिल्लो ने इनके ऑपोजिट हीरोइन की भूमिका निभाई। में फिल्म डकैत में जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले गांव के युवक अर्जुन यादव की भूमिका निभाकर सनी देओल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। इस फिल्म में पहली बार मीनाक्षी शेषाद्री ने इनके ऑपोजिट काम किया था। मीनाक्षी के साथ इनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। आगे चलकर सनी देओल और मीनाक्षी कई सुपरहिट फिल्मों में साथ नजर आए। में एक के बाद एक लगातार इनकी चार फिल्में राम अवतार, इंतकाम, पाप की दुनिया और यतीम रिलीज हुई। फिल्म यतीम में इन्होंने एक दारोगा की भूमिका निभाई जो भ्रष्ट पुलिस और राजनेताओं से भिड़ता है और लोगों को न्याय दिलाता है। उजागर सिंह का नाम भूल गए? उजागर सिंह पुलिस की गोली से नहीं मरा, तुमने मरवाया उसे। 1989 में आई इनकी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया, जिनमें जोशीले, निगाहें और चालबाज ने खूब भीड़ जुटाई। ये साइन भी नकली है, ये लड़की भी नकली है। क्या मतलब? ये अंजू नहीं मंजू है, इस टैक्सी ड्राइवर की मंजू। तो वहीं नसीरुद्दीन शाह और चंकी पांडे के साथ आई इनकी मल्टी स्टारर फिल्म विश्वात्मा ने भी सफलता के नए आयाम स्थापित किए। फिल्म में दिव्या भारती ने इनके ऑपोजिट हीरोइन का किरदार निभाकर बॉलीवुड में एंट्री की थी और इसका एक गाना जबरदस्त हिट साबित हुआ। फिर आया साल 1990, जिसमें सनी देओल की चार फिल्में वर्दी, आग का गोला, क्रोध और घायल रिलीज हुईं। आप शायद ये भूल रहे हैं कि ये वर्दी, ये कुर्सी आपको हमारी सुनने के लिए मिली है। आप यहाँ बैठे हैं हमारे लिए, और ये तरीका आपका हमसे बात करने का। फिल्म घायल इनके फिल्मी जीवन के लिए मील का पत्थर साबित हुई। फिल्म में भाई की हत्या का बदला लेने वाले एक युवा मुक्केबाज के रूप में इनकी जबरदस्त एक्टिंग ने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। इस चोट को अपने दिलो दिमाग पर कायम रखना, कल यही आंसू क्रांति का सैलाब बनकर इस मुल्क की सारी गंदगी को बहा ले जाएंगे। फिल्म में इनकी दहाड़ सुनकर सिनेमा हॉल में बैठे लोगों के भी खून में इस कदर उबाल आ जाता था कि वो उत्तेजना में
सिनेमा घरों की सीट ही फाड़ने लगते थे और जब ये गुंडों की पिटाई करने लगते तो लोग खुशी से तालियां और सीटियां बजाकर इनका स्वागत करते थे। जाओ बशीर खान, जाओ किसी नाटक कंपनी में भर्ती हो जाओ, बहुत तरक्की मिलेगी तुम्हें, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। दर्शकों की किसी हीरो के प्रति ऐसी दीवानगी बहुत कम ही देखने को मिली है, पर सनी ने अपने गुस्से, अपने एक्शन और अपनी जोश भरी एक्टिंग के बलबूते इससे खुद हासिल किया था। इस फिल्म के लिए सनी देओल को बेस्ट एक्टर के खिताब से नवाजा गया। इसके बाद इनकी एक के बाद एक आई कई फिल्में इनके एक्शन और गुस्से की बदौलत ना सिर्फ ताबड़तोड़ हिट होती चली गईं, बल्कि उन फिल्मों में बोले गए इनके डायलॉग्स भी सबकी जुबान पर चढ़ गए थे। जब आसमान थूकता है और जमीन काली देती है तो समझ में नहीं आता कि इस लाश को लेकर कहां जाएं। 1991 में अपनी फिल्म नरसिम्हा में जब सनी ने गुंडे से इंतकाम लिया तो दर्शक जैसे इनके पीछे पागल हो उठे और इन्हें सर आंखों पर बिठा लिया। और ये जंग सिर्फ इसलिए नहीं कि एक परिवार इस शहर में रहता है या नहीं, ये जंग फैसला करेगी कि ये शहर आपका है या इस शहर के रहने वालों का। 1992 में विश्वात्मा, 1993 में लुटेरे, क्षत्रिय, इज्जत की रोटी, वीरता और गुनाह के साथ इनकी दो ब्लॉकबस्टर फिल्में डर और दामिनी भी रिलीज हुई। एक अनदेखे डर के आगे अपने हथियार डालने से पहले इन बाजों की ताकत तो आजमाती जाओ, ये तो देख लिया होता कि जिन कंधों पर तुम अपना सर रखती हो वो तुम्हारी हिफाजत का बोझ उठा सकते हैं या नहीं। डर में जहां इन्होंने एक कमांडो का किरदार निभाया था तो वहीं दामिनी में एक वकील के किरदार में एक महिला को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में न सिर्फ इनकी बहस बल्कि और भी बोले गए डायलॉग्स ने सिनेमाघर में दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। फिल्म दामिनी में निभाए गए वकील के किरदार के लिए इन्होंने फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर खिताब भी अपने नाम किया। 1994 में आई इनकी फिल्म इंसानियत को कुछ खास पसंद नहीं किया गया लेकिन इम्तिहान हिट रही। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं तुम्हें किसी से नहीं मिलने दूंगा। इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि आप प्रीति के पिता हैं, मेरे सामने से हट जाइए। 1995 में रिलीज हुई इनकी दो फिल्में दुश्मनी और अंगरक्षक भी कुछ खास नहीं कर सकी, पर 1996 में आई इनकी तीन फिल्में सुपरहिट रहीं। ये थी जीत, अजय और घातक। अगर इस चौखट पर बारात आई तो टोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। 1997 में आई इनकी फिल्में और प्यार हो गया और कहर आंशिक रूप से सफल रही तो वहीं फिल्म जिद्दी और बॉर्डर की जबरदस्त सफलता ने एक बार फिर से सनी देओल का पर्चा लहरा दिया। ओए, अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है बस। बॉर्डर में इनके निभाए गए किरदार में जब इन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया और टैंक ब्लास्ट कर दहशत मचाई तो हर दर्शक का मन देश प्रेम और रोमांच से भर उठा। देश आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती। 1998 में इनकी तीन फिल्में आईं, जोर, सलाखें और इसकी टोपी उसके सर। 1999 में प्यार कोई खेल नहीं, अर्जुन पंडित, दिल लगी। 2000 में चैंपियन तो वहीं 2001 में आई इनकी फिल्म इंडियन और कसम हिट रही। उसी साल आई इनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा जिसकी सफलता ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इस फिल्म में इन्होंने एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की भूमिका निभाई जिसने एक मुस्लिम लड़की से प्रेम किया और फिर अपने बीवी बच्चों की चाहत की खातिर पाकिस्तान जा पहुंचा। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। फिल्म में इनका एक्शन, इमोशन और इनके डायलॉग्स इतने जबरदस्त हिट हुए कि आज भी इसे लोग यूट्यूब पर सर्च करके देखते हैं। फिल्म की सफलता का आलम यह था कि इसने टिकट बिक्री के पिछले कई दशक के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला। 2002 में आई इनकी फिल्म माँ तुझे सलाम सुपर हिट हुई। हालांकि इस साल रिलीज हुई इनकी तीन और फिल्में शहीद, जानी दुश्मन और कर्ज फ्लॉप साबित हुई। तुम्हारे मुल्क को तो बॉम्ब स्क्वाड बनाने पड़ते हैं लेकिन हमारा हर फौजी अपनी हथेली पर तुम्हारी मौत लेकर घूमता है। 2003 में इनकी तीन फिल्में द हीरो, खेल और जाल द ट्रैप रिलीज हुई। फिल्म द हीरो तो सुपर हिट रही पर बाकी की फिल्में फ्लॉप हो गईं। खींच लाए जो उनके दर पे, ऐसी दीवानगी को क्या कहिए, कत्ल करके भी वो खामोश हैं,
ऐसी सादगी को क्या कही। 2004 से 2007 के बीच आई इनकी सभी फिल्में फ्लॉप रहीं। इसी बीच पिता धर्मेंद्र और भाई बॉबी देओल के साथ आई इनकी फिल्म अपने हिट रही। 2008 में हीरोज, 2009 में पंजाब गोल्ड और 2010 में राइट और रॉन्ग फिल्म फ्लॉप रही, तो वहीं 2011 में यमला पगला दीवाना और 2013 में यमला पगला दीवाना 2 हिट साबित हुई। टू थाउजेंड 13 में आई इनकी फिल्म सिंह साहब द ग्रेट और महाभारत कुछ खास नहीं कर सकी, तो 2014 में ढिशकियाऊं, 2015 में आई लव न्यू ईयर और 2016 में आई इनकी फिल्म घायल का सीक्वल भी कुछ खास नहीं कर पाई। 2017 में यमला पगला दीवाना फिर से और पोस्टर बॉयज भी फ्लॉप ही रही। हालांकि 2018 में आई इनकी फिल्म मोहल्ला 80 पहले की अपेक्षा सफल रही। 2019 में आई इनकी फिल्में भी एक लाइन से फ्लॉप होती चली गई। साल 2022 में इनकी फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट रिलीज हुई और तत्काल ये अपनी ऐतिहासिक फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल बनाने में व्यस्त हैं। अब अगर मैं बदनाम हुआ हूँ तो थोड़ा सा नाम भी कमाया है। आज के वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में किसी नए और रोचक किस्से के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।